मां शबरी की जन्मस्थली शिवरी नारायण में माघ मेला हुआ प्रारंभ। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण मां शबरी की जन्मस्थली में पुरातन काल से माघी पूर्णिमा पर मेला लगता है। मां शबरी नर नारायण और पास में लक्ष्मणेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जहां हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहां श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए टाकीज, झूला, सर्कस, मौत का कुआं और अन्य सुविधाएं हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के 200 कर्मचारी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। नव भारत समाचार छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से देवराम धीवर की रिपोर्ट। माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन किया गया है और अभी सुचारू संचालित हो रहा है। इसके लिए पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, नगर पंचायत के शहरी अधिकारी कर्मचारी सब के संयुक्त प्रयास से एक व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस के बल जगह जगह तैनात किए गए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो इस उद्देश्य से, और अभी तक मेला जो है सुचारू संचालित हो रहा है, कोई अभी तक कोई समस्या नहीं आई। कितने जवान लगे हैं सर? अभी तक समथिंग करीब 200 के आसपास अधिकारी कर्मचारी की मेला ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, और जो अभी मेला स्तर पर विभिन्न पॉइंटों पे ड्यूटी कर रहे हैं। यह शिवनाथ नगर है, भगवान शिवनाथ धाम धरा है, माता सबरी का जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है इस नगर को। चित्रोत्पला गंगा महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी नदियों का संगम स्थल है। भगवान जगन्नाथ जी का यह मूल स्थान है, ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी वर्ष में एक दिन अपने मूल स्थान के लिए आते हैं, वह दिन नियत तिथि होता है माघ पूर्णिमा। इसलिए माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि पर्यंत यहाँ मेला लगता है। जब हम लोग अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, तो उस समय का यह सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला और लंबे समय तक लगने मेला है। लोग यहाँ आस्था, श्रद्धा और विश्वास साथ आते हैं। चित्रकला गंगा महानदी में स्नान करके भगवान जगन्नाथ जी का, भगवान शिव का दर्शन करते हैं, भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। हर कोई आकर के चित्रकला गंगा में स्नान करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी शिवनाथ का दर्शन करते हैं, भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, सब परिवार आते हैं।